हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं अंडे की ऑमलेट। ऑमलेट बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, पर मैंने सोचा मैं बना ही रही हूँ तो अपने दोस्तों के लिए भी एक रेसिपी बता देती हूँ। इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक कटोरी या बाउल कुछ भी लेंगे और उसमें अंडों को फोड़ देंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे जो उसका पीला भाग है उसमें। और जैसे कोई कोई लोग गर्म चीज़ नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो वो पीला भाग को निकाल कर इसका सिर्फ वाइट वाइट ही हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें फिर हम एक प्याज डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्ची काट के डालेंगे। बारीक काट के डालना है जिससे बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालना है। एक बात का खास ख्याल रखें कि ऑमलेट में हमेशा नमक कम ही डालें, वरना इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम लेंगे तवा, जिस पर हम रोटी बनाते हैं वही तवा लेंगे। अगर आपके पास डोसा का तवा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। फिर हम उसमें अच्छे से तेल फैलाएंगे और तेल फैलाने के बाद हम उस पर जो हमारा अंडा है वो उसको अच्छे से फैला देंगे। इसको डालने के बाद सीधा हम तवा उठाएंगे और तवा को चारों साइड तक घुमा देंगे, तो जो भी अंडे का मसाला है वो अच्छे से फैल जाएगा खुद से ही। देखिए, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से उसको फैला रही हूँ। इस तरह से अगर आप फैलाएंगे तो ये गारंटी से पतली बनेगी ऑमलेट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फैल जाएगी। मैं कभी भी इसे हाथ से जैसे कि चम्मच वगैरह से नहीं फैलाती हूँ, हमेशा इसको ऐसे ही कर देती हूँ, वो खुद ही फैल जाती है। और फिर थोड़ा सा इसे सेकने के बाद हम इसे पलटेंगे और इसे एक बार में हम पलट देंगे, परफेक्ट ही पलट जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए, तो आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी अच्छी सिक्के तैयार है। और इसे हम दूसरी साइड से भी थोड़ा अच्छे से दबा दबा के सेक देंगे और गैस का मीडियम हम कम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है वरना यह जल जाएगी। देखिए, तो हमने दोबारा से भी इसको पलट दिया है, कितनी बड़ी ऑमलेट बनकर तैयार है। अगर आप भी ऑमलेट खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।